आशुतोष गढ़वाल जी का घर है। हाँ, आप कौन है? वो आपके पति है ना? हाँ, पर आप कौन है जी? आपको कुछ बताना है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई लड़ाइयां लड़ते हैं, कभी दुनिया से, कभी अपनों से, कभी हादसों से, तो कभी हालात से। पर कोशिश हमेशा यही होती है कि हम लड़ाई जीतें, लेकिन हर लड़ाई की अपनी एक कीमत होती है और वो चुकानी भी पड़ती है, और हार की चुभन भी जीने नहीं देती। लेकिन इन लड़ाइयों में सबसे मुश्किल लड़ाई होती है अपने आप से, अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा से। जिंदगी में अक्सर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हम एक को चुनते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो रास्ता हमने चुना है वो सही है या गलत? सर, ये मेरी मंगेतर सायरा की फोटो है, अचानक से लापता हो गई सर। कुछ दिन पहले ही हमारी सगाई हुई थी। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी सायरा से? सर, एक महीने पहले, जब वो अपनी कजिन सिस्टर की शादी में जा रही थी। उसने कहा था कि कुछ दिनों में लौट आएगी, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। मैंने कई बार उसका मोबाइल ट्राई किया, पर वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। और सर, जानबूझकर वो कभी अपनी क्लास नहीं मिस करती थी। क्लास? कौन सी क्लास? सर, मेरा एक छोटा सा सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सर, मुझे पूरा शक है कि ये सारा किया करा है उसके माँ बाप का ही है। मुझे डर है कि उसके माँ बाप ने सायरा के साथ जरूर कुछ किया है। सर, आप प्लीज कुछ कीजिए। क्यों, सायरा के माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं था? एक्चुअली सर, हमारा इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप है। उसके घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो। सर, फोटो के पीछे उसके घर का एड्रेस है, आप प्लीज एक बार चेक करिए। सर, जरूर उसके माँ बाप ने उसे घर में कैद करके रखा होगा। आप एक बार सर देखिए प्लीज। सायरा? कौन सायरा साहब? मेरी बेटी? सर, मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरा एक ही बेटा है रहमान, और वो स्कूल गया है। क्या बात कर रही हैं? मैंने खुद सायरा को यहीं ड्रॉप किया था, और मैंने खुद सायरा को इस औरत से बात करते हुए देखा था। साहब, एक बार आई तो थी, और इसने कहा था इसे बाथरूम जाना है। मैंने इसे घर के अंदर ले लिया, पर नाम तो मैंने नहीं पूछा साहब, पर थी वो यही लड़की साहब। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, झूठी है वो, झूठ बोल रही है तुमसे। लेकिन तुम होगी मेरी बात में तो भरोसा करते ही नहीं हो। नहीं मिली ना आखिरकार वो तुम्हें? माँ प्लीज। शांतनु, तुम अपनी माँ को तो चुप करवा सकते हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि सारा तुमसे झूठ बोल रही थी। पर वो झूठ क्यों बोलेगी सर? अब इसका जवाब तो वही देगी। एक बात बताओ, तुम सायरा से पहली बार कहाँ मिले थे? दिसंबर महीने में सर, जब पहली बार वो मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आई थी। जब पहली बार देखा था उसे, तभी उस पर नजर उकसी गई थी। कुछ तो बात थी उसमें, वो सारी लड़कियों से अलग थी सर। हो सकता है तुम्हें बेवकूफ बना के तुमसे कुछ पैसे हेटना चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हैं सर, वो तो मुझसे एक रुपए की भी हेल्प नहीं लेती थी। अगर वो चाहती ना, तो मैं उसे बड़े से बड़े होटल या रेस्टोरेंट में लेके जा सकता था। पर वो थे कि उसे तो बस रोड किनारे की 5 रुपए की चाय से ही खुशी मिल जाती थी। सर, सायरा एक सुलझी हुई बहुत ही सीधी सादी लड़की है, मुझे डर है कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, अगर लड़की सचमुच इतनी सीधी सादी है और उसने पैसे के लिए शांतनु को नहीं फंसाया, तो उसने झूठ क्यों बोला और अचानक गायब कहाँ हो गई? कहाँ हो सकती हूँ? सर, सायरा के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन अशोक नगर मार्केट के पास थी, 1 महीने पहले। वो रोज वहां जाती थी, हो सकता है आसपास ही कहीं रहती हो। चलो चेक करते हैं। तो पूरे एरिया में सर्च करो।
भाई सुनो, इस मैडम को कहीं देखा? साहब ये तो 5 नंबर वाली भाभी जी हैं। कई बार सब्जी दी है इनके घर। कहाँ पड़ेगा ये 5 नंबर? सर आगे से दाएं। जी साहब। ये यहीं रहती हैं? जी साहब, ये हमारी मेम साहब हैं। क्या हुआ सर? सर ये चित्रा के फोटो आप लोगों के पास? चित्रा? इसका नाम चित्रा है? जी हाँ सर, मेरी बीवी है ये। मेरी बीवी जैसे दिखने वाली औरत जिसका नाम सायरा है और वो गायब है, और तो और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है सर? पर सच तो ये है कि ये सायरा है, शांतनु की मंगेतर। आपकी बीवी कहाँ है? बुलाइए उसको, अभी सब क्लियर हो जाएगा। सर वो आर्ट ऑफ हीलिंग सेंटर में योगा का कोर्स कर रही है और वहाँ पर फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, सो उनसे कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शादी कब हुई चित्रा से? सर 1 साल पहले। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, ये देखिए हमारी शादी की फोटो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वो कोई और है। सर अगर आपको चित्रा से मिलना है तो आप हीलिंग सेंटर में जाकर मिल लीजिए, वो आपको वहीं मिलेगी। सुमित, हमने कंफर्म किया है तुम्हारी वाइफ का नाम आर्ट ऑफ हीलिंग सेंटर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो वहाँ नहीं है। तुम्हारी वाइफ चित्रा के पेरेंट्स कहाँ हैं? कहीं वो बिना बताए मायके तो नहीं चली गई? सर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। तुम्हारी पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी चित्रा से? सर नोएडा के एक न्यू ईयर पार्टी में। सर जब उस लड़की को देखा तो उससे नजर हट ही नहीं रही थी, ऐसा लगा कि जिंदगी अपने उफान पे है। सर वो लड़की बिल्कुल अलग थी सब लड़कियों से। शांतनु का भी यही कहना है सायरा के बारे में। सर सायरा कोई और लड़की होगी, वो मेरी चित्रा नहीं है, क्योंकि मेरी चित्रा ऐसी हो ही नहीं सकती। वो मुझसे झूठ बोलकर किसी से रिलेशन बना ही नहीं सकती सर, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और सर मुझे लग रहा है कि मेरी चित्रा किसी मुसीबत में है। सर प्लीज प्लीज आप कुछ करिए सर, सर ढूंढिए आप उसे प्लीज। लगता है इस लड़की ने दोनों को उल्लू बनाया है। और मजे की बात यह है गौतम कि इन दोनों लड़कों पर उस लड़की का ऐसा जादू है कि उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। एक काम करो, चित्रा के फोन रिकॉर्ड्स निकालो, सारा की लास्ट नोन लोकेशन अशोक नगर थी, देखते हैं उस वक्त चित्रा कहां थी। तुम्हारी चित्रा और तुम्हारी सायरा, ये हैं दोनों के फोन रिकॉर्ड्स, और लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये पता चला है कि पिछले 4 महीनों से दोनों के नंबर्स एक ही लोकेशन पर साथ साथ रहते थे। खोलो इसे। 13 जनवरी, लोकेशन सिविल लाइंस, शांतनु तुम्हारा घर, और वहां से दोनों नंबर्स एक साथ अशोक नगर जाते थे। इसका मतलब है दोनों नंबर्स एक ही इंसान के पास थे। चित्रा और सायरा एक ही इंसान है। आपको एक गुड न्यूज देनी है, और वो ये है कि 1 महीने का टारगेट हमने टाइम से पहले ही अचीव कर लिया है, और ये सब कुछ हुआ है हमारी नई सेल्स गर्ल बुलबुल श्रीवास्तव की वजह से। कांग्रेचुलेशंस बुलबुल। थैंक यू सर। इसका मतलब धोखा दे रही थी वो मुझे इस आदमी के साथ मिलकर, या शायद वो तुझ जैसे घटिया आदमी के साथ खुश नहीं थी। ए! जबान संभाल कर बात कर वरना निकाल कर फेंक दूंगा। चुप बैठ, बीवी है वो मेरी। आवाज नीचे कर, तुम आवाज नीचे करो। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, जा सकते हो दोनों। एक काम करो, इन दोनों की पूरी कुंडली निकालो। सर श्याम, हाँ
बोलो भैया, मिल गया फोन, कैसा लगा? हाँ दीदी, बहुत ही बढ़िया फोन है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा फोन मिलेगा। महंगा होगा? अरे भाई, महंगा हो सस्ता हो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? कौन है? बुलबुल दीदी है। बुलबुल दीदी, हमको भी नया फोन चाहिए। हाँ दीदी, क्या हो रहा है ये? कौन है? लाखा है? हाँ वो लखा था। क्या कह रहा है ये? अरे वो फोन मांग रहा था हमारा। अरे तो फिर दे दो ना अपना पुराना वाला फोन। हाँ ठीक है दीदी, आप ध्यान रखिए अपना। अरे बुलबुल, तुम्हारा ध्यान किधर है? क्लाइंट खड़ा है यहाँ पे, देखो जरा। ये सही है सर। सर, शांतनु सच बोल रहा था, उसके बारे में किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोला। और सुमित? सर MBA है, वाइल्ड फील्ड लॉजिस्टिक नाम की कंपनी में काम करता है। लेकिन सर इसके बारे में एक अजीब बात पता चली। क्या? सर 22 जून 2015 को इसे जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? सर ऑफिस इंक्वायरी से पता चला कि इनकॉम्पिटेंस और टारगेट ना अचीव कर पाना। लेकिन सर एक महीने बाद उसे जॉब पे वापस भी रख लिया गया। बड़ी अजीब बात है, नौकरी से निकालने की वजह इनकॉम्पिटेंस, मतलब बंदा काम करने के लायक नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ एक महीने में उसे वापस नौकरी पर रख लिया? ऐसा क्या किया उसने कि कॉम्पिटेंट हो गया? एक काम करो, तो उसकी नौकरानी और ड्राइवर दोनों से बात करो। सर मेम साहब साहब से बहुत प्यार करती थी, मेम साहब साहब का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन एक बार दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। क्या समझू मैं, क्या समझू? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, समझे तुम? मुझे? बल्कि मैंने तुझे समझने में गलती की है। अपनी बकवास अपने पास रखो, समझे? तुम बकवास मत करो। चुप रहो। चित्रा, ये कब की बात है? साहब इतना तो ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन पिछले साल गर्मी की छुट्टी की बात है। मैडम तो ज्यादा बाहर जाती नहीं थी, लेकिन हफ्ते में एक आध बार होटल एम्पायर जाती थी। होटल एम्पायर? हाँ। ओके, कॉल यू बैक। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? इन्हें जानती? हाँ सर, ये मिसेस खन्ना है, रूम 203 रेडी कर दिया। मिसेस खन्ना? हाँ सर, ये हमारे यहाँ आती है, रूम बुक करवाती है। आप पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही? नहीं सर, इनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, इनकी लास्ट एंट्री 2 जून की है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनके साथ कोई और भी आता था? हाँ सर, मिस्टर राय आते थे। मिस्टर राय कौन? सर वो बिजनेसमैन, कुछ दिन पहले उन्हें बेस्ट CEO का अवार्ड मिला था। ये चित्रा के पति सुमित को आपने नौकरी से निकाल दिया था और फिर एक महीने बाद उसे वापस रख लिया, क्यों? क्लोज फ्रेंड है मेरी इंस्पेक्टर साहब। कहीं चित्रा और आपकी क्लोज फ्रेंडशिप तो इसकी वजह नहीं थी? आप बड़े स्मार्ट हो इंस्पेक्टर। देखिए, हम लोग आपस में कमरे में मिलते थे, उसके बाद वो कहाँ जाती है, क्या करती है, उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन फ्रेंड से आप कॉफी शॉप में भी मिल सकते हैं, फ्रेंड से मिलने के लिए कोई होटल में कमरा बुक नहीं करवाता। इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हुई है मिस्टर राय, इसीलिए तो आए हैं। आपकी फ्रेंड लापता है। वो लापता है तो पता करना भी आप ही का काम है, कीजिए। देखिए, आप अपना केस सॉल्व कीजिए, पर मुझे परेशान मत कीजिए। एंड आई होप कि आप आगे भी मुझे परेशान नहीं करेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर नाउ। ये आदमी पहुंचा हुआ है, जाहिर सी बात है इसके कनेक्शन भी होंगे, ये इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात पक्का है कि इसका चित्रा के साथ अफेयर तो था। सर क्या सुमित को पता होगा इस बारे में? ऐसा भी हो सकता है कि सुमित को पहले से ही सब कुछ पता हो और उसकी नौकरी जाने के बाद चित्रा ने आनंद के साथ अफेयर शुरू किया हो ताकि उसके पति की नौकरी वापस आ जाए। हो सकता है सुमित को पता चलने के बाद उसने गुस्से में चित्रा को मार दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस केस की अगली कड़ी सुमित के घर से ही मिलेगी। सर मुझे क्या पता क्या करती थी वो, यहाँ तक कि उसने मेरी आंखों में भी धूल झोंकी, मुझे भी धोखा दिया है। सर मेरे साथ चित्रा, शांतनु के साथ सायरा और मेरे बॉस के साथ मिसेस खन्ना बनकर, और न जाने कितनों के साथ क्या क्या करती होगी वो। सुनो, यहाँ आओ। जी साहब। डरो मत, जो कहना चाहती हो कहो। वो साहब, मैं उस दिन अपना डब्बा ले जाना भूल गई थी, और जब डब्बा लेने वापस आई
तो देखा। Cheers. Cheers. अरे पियो पियो पियो। सर लगता है दवाई का असर जल्दी हो गया, अब आप एंजॉय कर सकते हैं। होश में होती तो ज्यादा मजा आता। अगर सीधी तरह मान लेती तो ड्रिंक में दवाई मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद साहब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझसे देखा नहीं गया और शायद मेम साहब को भी ये बात पता चल गई थी कि उनके साथ क्या हुआ है। बोल, बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ मैं क्या करता। सर मजबूर था, बड़े बड़े सपने लेकर एमबीए की पढ़ाई की थी ताकि एक बड़ी जॉब मिल सके। एक अच्छी जॉब हाथ से चली गई थी, मैं सड़क पे आ गया था सर। और सर मुझे वापस नौकरी देने के बदले में इस आदमी की एक डिमांड थी, इसकी गंदी नजर चित्रा पर थी। सर मैंने चित्रा को बहुत समझाने की कोशिश की। फॉर गॉड्स सेक तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझू मैं, क्या समझू? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, समझे तुम? लेकिन उसने साफ मना कर दिया सर। मैं करता भी क्या सर, एक साइड मुझे जॉब भी चाहिए थी सर, घर भी चलाना था, मैं मजबूर हो गया था सर। और सर मेरा और चित्रा का फ्यूचर। अपनी बीवी की इज्जत के नीम पर अपना फ्यूचर खड़ा करने चला था तो फिर? सर इसने मुझे जॉब पर वापस रख लिया, लेकिन सर लेकिन ये आदमी बार बार डिमांड करने लगा सर, और डिमांड पूरी ना होने पर ये मुझे जॉब से दोबारा निकालने की धमकी भी देने लगा। चल अब तू बोल। चित्रा पर मेरा दिल लगा था इंस्पेक्टर, मैंने अपनी पोजीशन का थोड़ा सा फायदा उठाया। अब कहां है चित्रा, या उसे कहीं आगे भेज दिया? नहीं सर, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गौतम सीईओ ऑफ द ईयर साहब की अच्छे से खातिरदारी करो, इस सुमित की भी मरम्मत करो, जब तक ये दोनों ये नहीं बताते कि चित्रा कहां है। सर अनंत और सुमित बार बार यही दोहरा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया चित्रा के साथ, या तो झूठ बोल रहे हैं या वाकई उन्हें नहीं पता कि वो गई कहां। चित्रा सारा या मिसेस खन्ना अपनी इन तीन तीन जिंदगियों से परेशान होकर खुद ही कहीं भाग तो नहीं गई? लेकिन भाग कर गई कहां? अपने घर परिवार वालों के पास। लेकिन इसका घर है कहां? बहुत बढ़िया है। चलो तुम पहले बैठो। अच्छा माँ हम तुम लोगों के लिए ना कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं। इतना बड़ा टीवी, इतना बड़ा टीवी तो देखा ही नहीं हमने कभी। अरे बस बस बड़ा ही है वो। बुलबुल पहले तुम यहाँ आओ। कहो। बुलबुल बिटिया तुम बेटी नहीं बेटा हो हमारा। तुमको इतनी खुशी दे पाए ये हमारे लिए काफी है, और तुम लोगों का साथ हमारे लिए इन सारी चीजों से बढ़कर है। क्या है इस लड़की की सच्चाई? हर पल होते नए खुलासे इस केस की उलझनों को और बढ़ा रहे थे। सायरा उर्फ चित्रा उर्फ मिसेस खन्ना उर्फ बुलबुल, एक ही लड़की के इतने सारे नाम। हर मोड़ पर पुलिस का एक नए सच से सामना हो रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हकीकत कुछ और है। सबूतों और बयानों को टटोलते टटोलते पुलिस अब एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। सर ये शिवानी यादव नाम करती, आपसे कुछ बात करना चाहती है। बोलो शिवानी क्या बताना चाहती हूँ? सर हमें पता चला है मिसेस खन्ना गायब हैं। तुम क्या जानती हो मिसेस खन्ना के बारे में? सर मिसेस खन्ना बहुत अच्छी हैं, वो हमारे गांव इटारा से ही हैं। वो हमसे दिन भर बातें करती थी, और एक दो बार उन्होंने हमारी पैसों से भी हेल्प की। उस दिन हम उनका बहुत देर तक दरवाजा नॉक करते रहे। मैडम मैडम मैडम
मैडम, ओ मैडम, मैडम, ये क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, नहीं, शायद मेरा मिसकैरेज हो गया है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, नहीं, रहने दे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मेरे बापू की सजा मिल रही है मुझे। तो यहीं रह, मेरे पास जाम मत प्यासे, यहीं रह। ठीक है, मैं आपके पास ही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सर, उस दिन हमने उनकी हेल्प की, साफ कपड़े ला के दिए। मिसेस खन्ना उस दिन बहुत परेशान थी, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और उसके बाद उन्होंने होटल आना कम कर दिया। शिवानी, याद करके बता सकती हो कब की बात है? जी सर, हमें अच्छे से याद है, ये नवंबर की बात है और हम दिवाली पे गांव जाने वाले थे। हम मिसेस खन्ना को बताने वाले थे लेकिन उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं। थैंक्स शिवानी, आपने बहुत बड़ी मदद की है इस पहेली को सुलझाने में। आप जा सकती हैं। ये तो मेरी बहन बुलबुल है। क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है ना? साहब, बुलबुल ठीक तो है ना साहब? आपकी बेटी कानपुर से लापता हो गई है। लापता कानपुर से? पर वो तो नोएडा में रहती है, हम लोग खुद उसे मिलकर आए अभी। क्या बात है, सब ठीक है ना बेटा? आज तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया। कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। बस तुम सब जा रहे हो ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये रहा मेरे हाथ का गर्मा गर्म हलवा, एक बार खाएंगे ना सब अच्छा हो जाएगा। हम खा लेंगे, रखो। और अगर हम जा भी रहे तो क्या हुआ, अब तो नया फोन है हमारे पास, 10 रुपए का रिचार्ज कराकर रोज बात करेंगे। अच्छा क्यों माँ? आपकी बेटी की शादी कानपुर में हुई थी ना? नहीं साहब, हमारी बेटी की शादी हमारे गांव के लड़के आलोक के साथ हुई थी 3 साल पहले। उसके बाद वो लोग नोएडा चले गए थे। ये दोनों कौन है? ये मेरा मौसेरा भाई लखा और वो मेरी बहन कोयल, साथ रहते हैं हमारे। देखिए, आपकी बेटी की जिंदगी बहुत उलझी हुई सी लगती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। बुलबुल बहुत सुंदर थी साहब, ऊपर से उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। हमारे गांव का लड़का था आलोक, उसके साथ शादी करना चाहती थी, प्यार हो गया था साहब उसको, हमने उसे बहुत समझाया। अम्मा धीरे ना। बुलबुल, एक तुम्हारी शादी की उम्र है का? हाँ, अभी तो 10वीं पास की हो, अभी तो तुमको आगे पढ़ाई करनी है। नहीं अम्मा, हमको ना शादी करनी है और दिल्ली जाना है। पता है अम्मा आलोक क्या बता रहा था? आलोक बता रहा था कि दिल्ली में ना बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काम करने के मौके हैं वहाँ। हम दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और तुम सबका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, यहाँ गाँव में कहाँ रखा है। शादी के बाद वो दोनों नोएडा चले गए। कुछ महीने के बाद वो हमें थोड़ा पैसा भेजने लगी और एक दिन आलोक गांव आया और उसने बताया कि वो गायब हो गई है। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं साहब, बदनामी के डर से चुप रहे। लेकिन साहब, 2 महीने पहले बुलबुल का फोन आया था और हम सबको नोएडा बुलाया था, हम सब गए थे। तो अभी बुलबुल कहाँ है? नोएडा में होगी, अब तो उसका फोन ही बंद जा रहा है। अच्छा, तुम लोगों के पास आलोक और बुलबुल की शादी की कोई फोटो है? गौतम, नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म करो। सर। सर, किसी ने चाकू मार के हत्या की है। इसके घर वालों ने बताया था ये अकेली रहती है, लेकिन यहाँ खाने की 2 प्लेट्स हैं, इसका मतलब है इसके साथ कोई था, हो सकता है उसी ने मारा हो। यादव,
PCR को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। सर, जिसके पास सारे सवालों के जवाब थे वो तो खुद नहीं रही। अब तो सारे जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही मिलेंगे। एक काम करो, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर, बिल मिला। क्वांटिटी देख के लगता है कि दो से ज्यादा लोग के लिए खाना मंगाया है। पता करो खाना कहाँ से आया था और डिलीवरी किसने की थी। हो सकता है डिलीवरी बॉय ने कुछ देखा हो। बुलबुल श्रीवास्तव को जानते हो? हाँ, आलोक ही उसे यहाँ लेकर आया था। बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के थे वो। आलोक का नंबर है आपके पास? हाँ जी है ना। नंबर नोट। बुलबुल के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? किससे मिलती थी, कोई लड़ाई झगड़ा? हमारे क्लाइंट से बुलबुल का झगड़ा हुआ। हाँ छोड़ो, मैं हमने कहा हाथ छोड़ो हमारा। और दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की ना तुमने तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे? वैसे तो बुलबुल बड़ी नम्र और बहुत ही हसमुख लड़की थी, पर पता नहीं उसको उस दिन क्या हुआ था। मैंने उसे पूछा भी तो बोली कि उस क्लाइंट ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की थी और उसके बाद वो ऑफिस भी नहीं आई। सर, मोबाइल स्विच ऑफ है। ठीक है। बुलबुल के घर जो खाना मिला था वो कहीं बाहर से मंगवाया गया था। पता चला कहाँ से आया था? पता कर रहे हैं सर। आलोक ना घर पे ना ऑफिस में, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई है कि वो किसी वकील से रेगुलर टच में था और वकील से पता चल गया कुछ महीने पहले आलोक ने अपनी बीवी बुलबुल के साथ डिवोर्स फाइल किया। कुछ महीने पहले डिवोर्स फाइल किया, मतलब शांतनु से सगाई होने के बाद? जी सर। बुलबुल ने आलोक से शादी की, फिर उसे किसी वजह से छोड़ दिया, फिर वो सुमित से मिली और सुमित से शादी की, और शादी के बाद उसने रियलाइज किया कि वो गलती थी, फिर उसे शांतनु मिला। आखिर ये लड़की तीन अलग अलग नामों से तीन जिंदगियां क्यों जी रही थी? गौतम, बुलबुल की मौत और आलोक का गायब होना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, मैं आलोक की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों में सर्कुलेट करवा देता हूँ, हो सकता है कोई लीड मिले। सर, एक बड़ी खबर है। साउथ दिल्ली मोड़ से पता चला है कि आलोक की लाश वहां लावारिस पड़ी। पोस्टमार्टम से पता चला था कि वो एक्सीडेंट में मरा था। 17 जून को वैशाली चौक के हाईवे के पास उसकी डेड बॉडी मिली थी। हमें यह भी पता चला है कि आलोक की हत्या हुई थी और वहां की पुलिस तहकीकात कर रही है। और हाँ सर, एक बात और, उसके हाथ पर एक नाम गुदा हुआ है, बुलबुल। सत्रह जून मतलब बुलबुल की मौत से तीन दिन पहले। मुझे महज एक्सीडेंट नहीं लगता। सर, फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो उस एरिया में पहली बार गया था और वहां पे काफी वक्त तक था। पता लगाते हैं वहां करने क्या गया था। निशांत, तुम तब तक कुछ डिलीवरी बॉय को ट्रैक करते रहो। सर। भाई, इस लड़के को देखा? हाँ सर, देखा है इसको पहले। कहाँ? आगे साइड में, लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है, वहां देखा है। और सब बढ़िया है ना? ठीक है, ठीक है। ये आदमी कभी आया था यहाँ? हाँ सर, ये आदमी आया था। आशुतोष जी का घर पूछ रहा था। आशुतोष जी का घर सेकंड फ्लोर पर 204 नंबर कमरा है। जी? पुलिस, ये आदमी कभी यहाँ आया था? जी, आपको कुछ बताना है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात तो करनी पड़ेगी मैडम, इस आदमी का मर्डर हो गया है। सर, वो उस दिन मुझे कुछ बताने आया था। आपके जो पति देव हैं वो पहाड़गंज जाते हैं किसी धंधे वाली के पास। उन्हें समझाइए कि अपनी हद में रहें वरना बहुत बुरा होगा उनके साथ। मैंने अपने पति आशुतोष को तुरंत फोन लगाया और इस बात को लेकर बहुत झगड़ा भी किया, पर सर उन्होंने मुझे यही बोला कि वो आदमी उसे बदनाम कर रहा है। सर, मैं और करती भी क्या, अपना घर तो नहीं तोड़ सकती थी। आपके पति आशुतोष अभी कहाँ मिलेंगे? ऑफिस में, वैसे उनका आने का टाइम हो गया है, आते ही होंगे। आशुतोष जी,
पुलिस। उसे मेरी बीवी को नहीं बताना चाहिए था, गुस्सा आ गया था मुझे, उड़ा दिया सारे। आलोक को कैसे पता चला तेरा ये राज? सर उसकी बीवी धंधे वाली थी, उसे कैसे पता नहीं चलता। बुलबुल धंधा करती थी? हाँ, पहाड़गंज में फेमस थी वो, मैं अक्सर उसके घर जाया करता, लेकिन अचानक गायब हो गई वो। तू झूठ बोल रहा है। सर आप पूछताछ करवा लो, इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था, दोनों अलग रह रहे थे और फिर एक दिन अचानक टकरा के वो शुरू। तू वापस आ गई, बहुत याद आ रही थी तेरी। हाथ छोड़ो मेरा, हमने कहा हाथ छोड़ो मेरा, हमने ये सब छोड़ दिया समझे, दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की ना तुमने तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे। तू क्या कंप्लेंट करेगी, मैं सबको बताऊं तेरी असलियत। उसने बात आलोक को जरूर बताई होगी, पर वो चलाया मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं जानता था आलोक पहले कहां रहता था और मैंने उसे ढूंढ निकाला। फिर तूने बुलबुल को भी मार दिया। नहीं साहब, बुलबुल को तो मैं मिला भी नहीं, आलोक को उड़ा तो दिया गुस्से में, लेकिन अंदर से काफी डर गया था मैं, डर डर के जी रहा था। तो तूने बुलबुल को नहीं मारा? हमें का बेवकूफ समझता है तू? क्यों मारा बुलबुल को? बोल! सच कह रहा हूं साहब, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। आलोक मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, पर बुलबुल को किसने मारा? कहीं ये बुलबुल एक चौथी जिंदगी तो नहीं जी रही थी? आशुतोष ने बताया कि वो एक प्रोस्टिट्यूट भी थी और आलोक ये बात पहले से जानता था। जब उसे आशुतोष की धमकी के बारे में पता चला तो वो सीधा उसके घर गया। हेलो, ठीक है सर, कानपुर से शांतनु का फोन था, उसकी माँ हमें बुलबुल के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर आपने जब सायरा की मौत की खबर बताई ना, तब जाके इनके मुंह से कुछ शब्द निकले हैं। बोलिए क्या बताना चाहती हैं? वो सायरा हमारे घर पर आई थी और शांतनु को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शांतनु घर पर नहीं था और मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ही सब कुछ सच सच बता दो, और सायरा ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। जी आज मैं आपसे अपनी असलियत बताना चाहती हूँ। नहीं जानती उसके बाद आप और शांतनु मुझसे नफरत करेंगे या फिर मुझसे हमदर्दी जताएंगे। हाँ जी, आप लोग मुझे सायरा के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा असली नाम सायरा नहीं है, बुलबुल श्रीवास्तव है। टारा गांव की रहने वाली हूँ मैं, एक छोटे से शहर में बड़े बड़े सपने लेकर जी रही थी, तभी मुझे मिला वहाँ आलोक। कच्ची उम्र थी, प्यार हो गया, शादी कर ली हमने और हम नोएडा आ गए। सोचा था बड़े शहर में जाकर अपने बड़े बड़े सपने पूरे करूंगी, लेकिन गरीबी ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना माँ जी, जब जीना मुश्किल हो जाता है तब ये प्यार व्यार सब जहर लगने लगता है। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे और आलोक के रिश्ते में। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ जी? 3 महीने हो गए, किराया नहीं दिया अभी तक। जी वो भी घर पर नहीं है, आते होंगे, जैसे आएंगे हम बता देंगे उनको। वो घर पे नहीं है ना? कोई बात नहीं, अरे तुम तो घर पे हो, तुम थोड़ा किराया दे दो। ये क्या कर रहा है? उस दिन मैंने पहली बार मर्द की दरिंदगी का
अनुभव लिया मुझे। चल तेरा किराया माफ, और ये ले रख ले। अरे रख ले, हर हफ्ते देता रहूंगा। हाँ, और ज्यादा चिल्लाया ना तो यही पैसे वकील को देके छूट जाऊंगा और रास्ते पे फेंक दूंगा सो अलग। फैसला तेरा है। मजबूर तो थे ही, कहाँ जाते कोर्ट कचहरी में। गलत समझौता कर लिया था मैंने अपनी जिंदगी में। मुझे ये रहा पैसे कमाने के लिए सबसे सीधी और आसान लगने लगी। मैं उस समय एक पेशेवर वेश्या बन चुकी थी। मेरी दो शादियां हो चुकी। सुमित से शादी इसलिए कि लाइफ संभल जाएगी, मगर सुमित से शादी मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। सर, लगता है दवाई का असर जल्दी हो गया, अब आप एंजॉय कर सकते हैं। उसने तो जैसे मुझे धंधे पर ही बैठा दिया था। अपने बॉस को भेजने लगा था मेरे पास, और उसके बाद मेरी जिंदगी में आया आपका बेटा शांतनु। शांतनु वो पहला इंसान है जिसने मेरे जिस्म को नहीं, मेरे दिल को छुआ। और उसके इस सच्चे प्यार की वजह से आज मैंने अपनी जिंदगी के सारे पन्ने आपके सामने खोल दिए। मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सब कुछ जानने के बाद भी वो तुमसे शादी कर लेगा, पर तुम ही सोचो, कल अगर तुम लोग बाजार में कहीं घूमने जाते हो और कोई तुम्हारा पुराना ग्राहक तुम्हें मिल जाता है और तुम्हें छेड़ता है, तो सोचो हमारी इज्जत का क्या होगा। लोग तो यही कहेंगे ना कि हम एक बाजारू लड़की को अपनी बहू बनाकर लाए हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम शांतनु की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। मां, ऐसा क्यों किया आपने? आज की दुनिया में अपने अतीत का ऐसा सच कोई बताता है क्या? सर, डिलीवरी बॉय से जो स्केच हमने बनवाई थी सर, वो ये है। बोल, क्यों मारा बोल बोल को? ये मेरा मौसेरा भाई लखा। हाँ बोलू दीदी। हाँ, हमको भी नया फोन चाहिए। दो ना सर, हमारे मन में लालच आ गया था। बुलबुल दीदी श्याम भैया को नया मोबाइल फोन खरीद के दी थी, हमको भी खाली वैसा मोबाइल फोन चाहिए था। बुलबुल दीदी शहर में नया घर ली थी, बहुत बड़ा घर था, सुंदर था। हमको लगा कि बुलबुल दीदी के पास बहुत पैसा होगा। हम गांव में श्याम भैया को बोल दिए कि हम अम्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने दोस्त के साथ बुलबुल दीदी के घर नोएडा चले गए। बुलबुल दीदी, आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए। मजाक कर रहे हो क्या? इतना पैसा कहाँ से देंगे तुमको? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। बुलबुल दीदी, आपके पास इतना पैसा है ही, तो हम सोचे कि आप हमको थोड़ा सा दे देंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा, है ना? हमको आपके बारे में सब पता है। आप इतना रुपया कहाँ से लाए? हम लखा हैं, श्याम नहीं। हमको आपके धंधे के बारे में सब पता है। लखा, उठो और निकलो यहाँ से। ऐसे तो नहीं जाएंगे, रुपया तो लेके जाएंगे। निकल यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ, समझा? ऐसे नहीं जाएंगे। हमको पैसा चाहिए, या तो जिंदा और नहीं तो मार के निकाल लेंगे। चाकू नीचे रखो, चाकू नीचे रखो, हमारे पास कुछ लगा। क्या कर रहा, छोड़ो उसको। छोड़ देंगे ना इसको, सबको सब कुछ बता देगी, समझा क्या? लगा नहीं, माफ कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। लगा साहब, अपने दीदी को मार दिए। सर, इसका साथी पकड़ा गया है, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। पैसे कहाँ हैं? साहब, खाली उनके घर पे 400 रुपये मिले थे। शहर से गांव जाने का भाड़ा भी नहीं हो पाया था। सिर्फ 400 रुपये के लिए तूने अपनी मौसेरी बहन का कत्ल कर दिया। जुर्म की राह हमेशा दर्दनाक होती है, अब जिंदगी भर जेल में सड़ना
छोटे छोटे गांव और कस्बों से लोग शहर आते हैं कई सपने लिए। सपना एक बेहतर जिंदगी का, सुख का, समृद्धि का। लेकिन शहर कई बार अजगर बनकर निगल जाता है ऐसे मासूम लोगों को। बुलबुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके सपनों से सच की दूरी ने उससे एक समझौता करवाया और फिर उसकी जिंदगी ही एक समझौता बनकर रह गई। लेकिन बुलबुल जीने की राह ढूंढने के लिए नया नाम, नई पहचान लेकर कोशिश करती रही। पर सिर्फ नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, नसीब नहीं बदलता। लेकिन जब तक इस बात का एहसास बुलबुल को हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने आप से जूझते जूझते ना तो वो अपने सपने पूरे कर पाई और ना ही सुकून की जिंदगी जी पाई। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने ख्वाबों को सच करने की जद्दोजहद में इतने भी मशगूल ना हो जाएं कि हमारी अपनी पहचान ही खो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.